एंड वेलकम टू दिस छोटू सा वीडियो पॉडकास्ट। ये एक बोनस एनर्जी अपडेट है सारे जोडियक साइन के लिए। जो जो लोग ये वीडियोस को देख रहे हो, ये प्री फुल मून वीडियोस है, तो ये एनर्जी आपके लिए एक मैसेज फॉर मोमेंट है। लाइक आपके रेगुलर लाइफ पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स है एंड आई एम रियली सॉरी, इसके शेप्स बहुत ज़्यादा इम्परफेक्ट है, बट मेरे लाइफ भी इम्परफेक्ट ही है। सो आई लव इम्परफेक्शंस मोर देन परफेक्शंस। सो लेट्स सी कि इस टाइम पे आपके लिए यूनिवर्स किस तरीके का मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड क्या है क्या नहीं है। लेट्स सी, बहुत जल्द ही इस कार्ड्स को बांट लेता हूँ। एंड आप लोगों को पता है कि आई डू नॉट डू प्राइवेट रीडिंग एंड आई एम नॉट ऑल्सो अवेलेबल इन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग है तो इसको अलग करके रख दे रहा हूँ। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो और चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, ये मैसेज बोनस मैसेज आपके लिए है। लेट्स सी मोमेंट क्या है, आप किस मोमेंटम में हो। Message for this moment. Okay, so I'm gonna take these two messages. Divine interventions 5555, death of ego. I think ऐसा हो रहा है कि आप सिर्फ अपने benefit के लिए नहीं सोच रहे हो, सिर्फ अपने profit के लिए नहीं सोच रहे हो, आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो। आपके career में एक नया एंगल आ रहे हैं। हो सकता है कि आप जो काम कभी नहीं किए हो वो काम कर रहे हो। यस, आपको बहुत ज़्यादा टफ काम करना पड़ रहा है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। यू नो, हो सकता है कि आप बहुत ही वेल्दी बैकग्राउंड से हो, बट आपको बहुत ही बड़ा बहुत ही कठिन काम करना पड़ रहा है। तो डेथ ऑफ ईगो मतलब यूनिवर्स आपको कुछ काम करवा रहे हैं। सो इस टाइम पे आपका स्ट्रगल जो है वो पीक टाइम पे है। बट याद रखिए कि हर चीज़ होते हैं कुछ अच्छे फल के वजह से। आई थिंक कुछ एक गुड रिजल्ट्स आपको मिलेगा, इसीलिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है एंड बहुत लेंदी वेटिंग चल रहा है। डिवाइन इंटरवेंशंस, तो जॉब खोने के बाद एक लॉन्ग वेट, या फिर प्रमोशंस के बाद और पूरे साल कोई नहीं मिला, या फिर आज अभी आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रहे है, लड़ते लड़ते थक गए हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लाइफ से एक एक करके लोगों को हटाए हैं। हो सकता है जॉब को हटाए हैं, हो सकता है जो भी फॉल्स फाउंडेशंस थे वो हट गया है। तो नाउ आप बहुत अकेले हो और इस टाइम पे आप जो जो नहीं सोचे थे वही सब हुआ। सो इस टाइम पे आप सोच रहे हो कि अभी क्या, लाइक वॉट इज नेक्स्ट। नाउ दिस बोनस रीडिंग इज सेइंग कि वॉट इज गोना बी योर नेक्स्ट। ओके, सो योर मोमेंटम मैसेज फर्स्ट आया है, यू आर सुपर फोकस्ड 7777। सो मतलब जो गोल्स लेके आप चल रहे हो, जो आपके मन में है कि वो चीज क्लिक करे बस, और आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा, आई थिंक दैट थिंग्स विल क्लिक। क्योंकि 777 मतलब केतु आपका काम करवा रहे हैं एंड मैं देख सकता हूँ कि आप घर से बाहर भी हो या फिर फैमिली के साथ उतना ज़्यादा कनेक्शंस नहीं है, बट आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करोगे। सो मैं देख सकता हूँ एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में जाके आप सिचुएशंस को हरा रहे हो, लाइक नेगेटिविटी को हरा रहे हो। एग्ज़ाम्स क्रैक करना है या फिर कोई कम्पिटिटिव इंटरव्यू दे रहे हो या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स पे बैठ रहे हो, वहाँ पे आप अच्छा रिजल्ट्स करोगे। आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी आप अच्छा रिजल्ट्स करोगे। स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओके, सो इस टाइम पे प्लीज़ 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 आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। यू नो, आप अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि प्रिपरेशन मैटर करता है, आपके ओवर थिंकिंग नहीं। ओके, सो प्लीज़ अपने ओवर थिंकिंग को बंद कीजिए एंड यू आर सुपर फोकस नाउ। ओके, आप सही पथ पे हो, सही तरीके से सोच रहे हो। लेट्स सी क्या होने वाला है, इस नतीजा इस सिचुएशंस का नतीजा क्या होने वाला है। ओके, सो द रिजल्ट वुड बी डिवाइन नो एंड और क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, डिवाइन नो एंड ओके, न्यू बिगिनिंग एंड ब्राइट फ्यूचर। सो ऐसा हो सकता है कि इस सिचुएशंस पे जो आंसर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आंसर्स होगा, बट लेट से होगा। एट दिस मोमेंट
नो मिल रहा है आपको, रिजेक्शंस होगा, तो जो सिचुएशंस को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फुलफिल हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, नो, वो सिचुएशंस में आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार फल आपको नहीं मिलेगा, बट दिस विल नॉट लिमिट योर फ्यूचर हैप्पीनेस, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ब्राइट फ्यूचर विद अ न्यू बिगिनिंग, मतलब कि इस सिचुएशंस पे एक चीज़ से आप रिजेक्टेड होके दूसरे अच्छे चीज़ के तरफ जा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं, धकेल दे रहे हैं आप जिस चीज़ के लिए बने हो। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजेक्शंस, कोई पर्सन शायद आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, और या फिर कोई जॉब इंटरव्यू से रिजेक्शंस मिल रहा है, या फिर कोई जगह से जो मैसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिल रहा है, बट उसके बावजूद भी आप, आपको जीत होगा। सो यस, इवेंचुअली दिस सिचुएशंस पे फेलियर लिखा है, बट उसके बाद जो होगा वो अच्छा होगा। अगर ऑलरेडी आपको रिजेक्शंस मिला है, सो इट्स अ टाइम कि अब जो होगा अच्छा होगा, बट पहले आपको एक फेलियर या फिर रिजेक्शंस देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका फ्यूचर सक्सेस होगा। सो कहीं ना कहीं डिवाइन नो मतलब यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आपके प्रेजेंट पथ पे आप एवी केयरलेसली चलो, यूनिवर्स आपको रेक्टिफाई कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ नए मोमेंटम लेके आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम नो सुनना मतलब है अवेकनिंग। सो जिस चीज़ से आप रिजेक्टेड हो रहे हो उस चीज़ को आप रिजेक्टेड मत समझिए, रैदर आप समझिए कि कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। रिलेशनशिप्स का बात है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपको पता है कि कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रहे, आपको पता है कि कोई पर्सन के लाइफ में वापस आना गलत है, so you are choosing someone else, you are choosing your freedom, you are choosing something else, at the same time कोई job offer आपको बहुत ज़्यादा attracted लग रहा था और आपको लग रहा था कि सब चीज़ sorted है, but unfortunately आपको लगेगा आने वाले time पे कि शायद आपके आपको थोड़ा सा wait करनी चाहिए। so immediately जिस चीज़ को आप बहुत पसंद कर रहे हो उस चीज़ को आप पसंद नहीं करोगे, rather आपको already जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्यार है उस चीज से थोड़ा सा आपको यू नो सेटबैक मिलेगा, एंड तब जाके आप डिस्कवर करोगे कि आपके रियल टैलेंट क्या है। सो आपके एग्जिस्टिंग एग्जाम में शायद आप उतना अच्छा नहीं रिजल्ट्स करोगे, बट जो आपके आने वाले मेन एग्जाम्स है उस पे आप अच्छे रिजल्ट्स करोगे। तो ऐसा हो सकता है कि डेली बेसिक पे कहीं ना कहीं पे एनर्जी लैक हो रहा है, इसीलिए मॉक टेस्ट या फिर जो भी नॉर्मल टेस्ट आप दे रहे हो अच्छा नहीं जा रहा है, या फिर मान लीजिए कोई इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो जो भी छोटे मोटे कंपनीज को आप इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपका डेस्टिनी कुछ बड़ा कंपनी के लिए है, बट आपको ऐसा लगता है कि कोई कहीं से कॉल नहीं आ रहा है, वेल कॉल आएगा, इसीलिए ये सब रिजेक्शंस आपको मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि अभी आपको नो मिलेगा बट बाद में जाके वही नो यस में तब्दील हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ये बोनस रीडिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आई क्लेम माई विक्ट्री, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनेबल। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। एनर्जाइज रहिए, क्योंकि हर वक्त मैं लेके आऊँगा एक एक नए तरीके का छोटू सा वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ मातंगी।